एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एक न्यू प्रोडक्ट पे। यह है डीएम ग्लो का स्किन लाइटनिंग क्रीम। ये क्रीम डीप पिगमेंटेशन का क्लेम कर रही है एंड ब्राइटनिंग का क्लेम कर रही है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें 2% नियासिनामाइड है जो कि आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। इसमें जो कोजिक एसिड है वो 5% है जो कि आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, आपके स्किन टोन को लाइट करेगा, और विटामिन ई है। ये तीन जो हैं इसके मेन कंपोजिशन है। विटामिन ई का काम क्या होता है ना, जो रेडनेस हो जाती है जैसे कोई क्रीम ज़्यादा अप्लाई कर लिया या फिर क्रीम अप्लाई करके धूप में निकल गए, तो उस रेडनेस को ये कम करता है। अब बात आती है इस प्रोडक्ट के प्राइस की। तो इसका प्राइस है 275 ग्राम में ये आपको क्रीम मिलेगी। जिस किसी को भी इस क्रीम को बाय करना है एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो ये तो रही इसके कंपोजिशन की बात, इसके प्राइस की बात। अब सीधे हम आते हैं इसके रिजल्ट पे कि इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो रिजल्ट जानने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि इस प्रोडक्ट को हमें बाय करना है या नहीं करना है। तो चले जान लेते हैं इसके रिजल्ट। देखिए, जो भी ये क्लेम कर रहा है तो उस क्लेम के मुताबिक, जैसे डी पिगमेंटेशन का क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो आपके पिगमेंटेशन ये सिर्फ फेड करेगा, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और रिजल्ट आपको बहुत तेज़ी से मिलेंगे इस प्रोडक्ट के। एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप नोटिस करोगे कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, आप उसे कंटिन्यू करोगे। लेकिन डी पिगमेंटेशन जो बात कर रहा है ना, जो कि पिगमेंटेशन आपके फेस पे है, तो ये एक हफ्ते में यह है कि रिजल्ट मिलना तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतना ही रुक जाएगा, वो रिजल्ट थम जाएगा। जैसे होता नहीं है कि कोई क्रीम आप ट्राई करें, जैसे नोज कार्स के साथ हमेशा रहा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि वो एक टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, फिर उसके बाद उसका काम करना ही बंद हो जाता है। लगता है कि कोई लोकल क्रीम तो नहीं लगा रहे, ये नोज कार्स असली है नकली, मतलब खुद ही डाउट होने लगता है। तो वैसे इस क्रीम का भी है, ये क्रीम काम करेगी, एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिखाएगी डीप पिगमेंटेशन पे, लेकिन उतना ही रिजल्ट आएगा, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्किन टोन को ये इम्प्रूव करता है। 5% कोजिक एसिड है इसमें, कम भी होता तो भी चलता, तो 5% है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कोजिक एसिड ऐड किया गया है। 2% नियासिनामाइड है, तो इसलिए आपको सनस्क्रीन ट्राई करना है। इसके अपोजिट रिजल्ट आपको मिलेंगे बहुत तेज़ी से देखने के लिए, अगर आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते हो। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप स्किन को ट्राई करने की सोच रहे हैं तो ठंड के टाइम लगाओ, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो आपका, आप ज़्यादा बाहर निकलना ना हो तो आप इस क्रीम को लगाना, वरना फिर इसके अपोजिट रिजल्ट मिलेंगे। जो पिगमेंटेशन है वो तो रहेगी और उससे ज़्यादा भी फैल जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इसके रिजल्ट हैं, क्योंकि इसके कंपोजिशन इस तरह के हैं ना कि आपके स्किन को ये हार्म कर सकता है अगर आपने अपने स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो। अब इसमें अबूटीन भी है और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो मेन मेन है उन मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसका प्राइस है 275, बहुत ज़्यादा नहीं, ट्राई कर सकते हो। वैसे तो 400-500 के अराउंड मेडिकेटेड प्रोडक्ट आते हैं, उसका प्राइस 275 है, लेकिन वही है, ट्राई करना है तो मौसम देख के ही ट्राई करना। बहुत ज़्यादा बाहर निकलना होता है तो उन लोगों को इस क्रीम को ट्राई नहीं करना है, सिर्फ नाइट में ट्राई करना है। यूनिसेक्स क्रीम है, कोई भी ट्राई कर सकता है, ऑल स्किन टाइप है। नाइट में ट्राई करना है तो उसमें स्किन टाइप का तो कोई सवाल ही नहीं रहता, लगाना है, सो जाना है, सुबह बस सनस्क्रीन लगा के निकल जाना है। सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है इसमें, कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट हो, इसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सनस्क्रीन कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो, सनस्क्रीन आपको ट्राई करना ही करना है। तो ये रहे इसके रिजल्ट। अब आपको डिसाइड करना है कि इस प्रोडक्ट को बाय करना है या नहीं करना है, आपको बता दिया है, तो इसलिए आपके ऊपर है कि इसके रिजल्ट आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जितना अपने स्किन को प्रोटेक्ट करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नए प्रोडक्ट के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय।